आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एनी बॉयफ्रेंड? और देखिए आजकल के जमाने में कॉमन है, देखिए लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं और घर निकालना नहीं था। रिलैक्स केशव, निशा के बड़े भाई हो, राइट? जी। देखिए हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, आप इसे देखकर बताइए कि निशा की है कि नहीं। हमें निशा की एक तस्वीर चाहिए होगी। कहाँ से मिला? एक मिनी बस के ट्रंक से मिली है। किसने किया? See, we are still looking into it, but किसने किया? We are not sure yet. Relax. Mrs. तलवार, ऐसे केसेस में विक्टिम के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम रियलिटी के जितने करीब रहे उतना डील करने में आसानी होगी। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। हमें नहीं मालूम था कि आप खुरान जी के कितने खास हैं। अरे सर, अब इन बातों का कोई ढिंढोरा थोड़ी ना पीटा जाता है। आप ये लीजिए बेल पेपर्स, सत्या उर्फ सतेंद्र खुराना के नाम के। सर, वी नीड हिम फॉर 2-3 डेज मोर। किन चार्जेस पे? सत्या के पोजीशन में एक मिनी बस पाई गई है एंड वी सस्पेक्ट दैट बस वाज यूज्ड टू किडनैप मोर देन वन वुमन। सर, हमें इतनी अंग्रेजी वंग्रेजी समझ में नहीं आती है जी। हमें तो बस इतना पता है कि आपने MP खुराना साहब के बेटे को कस्टडी में ले रखा है, वो भी जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, और वो भी सर बिना किसी कारण के। कारण है? कारण है तो फिर लगाइए ना चार्ज सर उस पर। क्या कहा उसने? कुछ किया है? नहीं कहा ना सर। वो बच्चा है, उसे कहीं वो मिनी बस मिल गई होगी, उसने उठा ली। सर उसको तो बीमारी भी है, वो क्या कहते हैं उसे, क्लेप्टोमेनिया। वो है जी उसे क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया छोटी मोटी चीजें चुराने में होती है, बस चुराने में नहीं। ठीक है जी, अगर बाहर खड़े मीडिया को पता लगा तो आप पर प्रेशर आएगा, वो भी ऑफिशियल, और डिपार्टमेंट की बदनामी होगी सो अलग। हमें तो जी परवाह है आपकी। परवाह है कि चेतावनी दे रहे आप? हाँ ठीक है, बेल पेपर्स एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ सर, सत्या को देश के बाहर नहीं जाने देंगे हम। सर इसे अगर अभी छोड़ दिया तो कभी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। राजीव, अप्रूव द बेल। बट सर लुक, राजीव दो इसे। थैंक यू सर, आप बहुत काम कर रहे हैं सर जी, थोड़ा आराम कर लिया करो। ये देखो आपकी आंखों के नीचे तो काले धब्बे भी आ गए हैं। अरे हेल्दी पुलिस, हेल्दी नेशन। पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही, कुछ नहीं बदला। जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया इंचार्ज आता है तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा हमारा डिपार्टमेंट ही हमारी मारने लगता है। आपको पता है नितिन सर, ये और मैं एकेडमी में क्लासमेट्स थे, वो रैंक में आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं क्यों। अभी सोच के लगता है कि नितिन हालात के साथ बदलना जानता है और मैं हालात को बदलने की कोशिश करता रहता। आ गए सत्यवादी हरीशचंद, आइए बैठिए। लगता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मारा है इसको। इसी ने मेल में लिखा था कि इसको खतरा है मुंबई पुलिस से।
इस दिखता है उतना आसान है नहीं। मालूम है, फोरेंसिक टीम को बुला, और जब तक फोरेंसिक जांच नहीं होती किसी चीज को हाथ मत लगाना। गणेश बाबू। हाँ सर। फोरेंसिक टीम के बाद तुम फिर से चेक कर लेना, तब तक यहीं रुकना। सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने ही फोन किया था। क्या जानती हो इस जरीन के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी पता चला उसका नाम नीलम पांडे नहीं जरीन है। उसका आईडी नहीं देखा था? रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनवाया? नहीं साहब, अच्छे घर की लगी। तुम्हें अच्छे घर की लगने वाली लड़की मिली का? सब मार्केट में मिली, बहुत परेशान थी, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और 4 महीने से मेरी खोली भी बंद थी, इसीलिए इंसानियत के खातिर रहने दिया। कोई पुलिस वाला आता था उसे मिलने या परेशान करने? नहीं साहब, कभी देखा नहीं। क्या करती थी ये जरीन? मालूम नहीं साहब। हाँ मगर गुलशन को पता होगा। गुलशन कौन है, बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, मगर यहाँ आता जाता रहता था। कहाँ रहता है ये गुलशन? यही मार्केट में। संग्राम, इसको गुलशन के घर पे लेके जाओ, अगर गुलशन घर पे है तो उसको स्टेशन लेके आना। चला। हर्षा, फॉरेंसिक टीम का अगर काम हो गया हो तो तुम बॉडी की फोटो खींच लेना, पीएम के लिए भेज दो, हमारा घर अच्छी तरह से चेक करना। यस। खान, यहाँ कहीं सीसीटीवी होगा उसका फुटेज कलेक्ट करो। चलो शाम को 6 बजे मिलते ऑफिस। बाकी वड़ा पाव उधर दे देना। अरे साइबर, तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिला है ना? यस सर। अभी वड़ा पाव खाते का तो उसको लोड करना। और सुन, पीएम रिपोर्ट में मर्डर का टाइम आएगा, उस टाइम के 1 घंटा इधर उधर का फुटेज देखना है मुझे। हाँ लोड कर जा। यस सर। चलो बोला। सर जरीन के घर से आधार कार्ड मिला है, नीलम पांडे के नाम से। ठीक है सर, चेक किया मैंने, यूपी के किसी लड़की का है। ये विदेशी लोग भी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। फॉरेंसिक वालों को कुछ हेयर सैंपल्स मिले हैं सर, लेकिन उनके हिसाब से वो जरीन के ही है। साइबर कैफे जहाँ से वो मेल आई थी, वो हार्ड डिस्क जब्त किया ना सर हमने। चेक करो, उसने और किसी को मेल की थी। मोबाइल? सर एक मोबाइल मिला है जिसका नंबर 2 महीने पहले लिया गया, मतलब रूम रेंट करने के टाइम। सर संग्राम सर गुलशन को लेकर आ गए सर। तुम्हारे इधर बैठा, आता हूँ मैं। ओके सर। जरीन के मोबाइल सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर जरीन के मोबाइल पे कोई कॉल्स नहीं है। हाँ लेकिन एक कॉल उसने किया था। कहाँ? अपने देश। मेरे वीजा का नहीं हुआ पर शायद होगा भी नहीं, खुदा क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है, और यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते, मार देंगे मुझे। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे देश के लोगों को यहाँ क्या कहते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.